साले बीट अपने कोई बोलेगा नहीं। हम चौथा पढ़ा रिलेटिव बन गया सर। पीछे वाले आवाज नहीं करेंगे, अब कोई नहीं करेगा। रिलेटिव को अनरिलेटिव का जंक्शन, ठीक है, मतलब कि परिणाम वाचक, ठीक है, संयोजक। इसमें चार चीज होते हैं, हार हो गया, हार टाइम दिए हुआ क्योंकि दूसरा नंबर आपको हो गया सो कमा बोलना मत, आवाज के भी नहीं आए इसलिए। मत कौन बोला पीछे मामूल कहीं हो आवाज लड़ रही है, बोल मत। चौथा नंबर है क्रिएटिव को आरने का जतन, मतलब कि परिणाम वाचक संयोजक। देखो किसका प्रयोग कब करते, देखो पहला क्या बोले थे, आई एम सिनर, आई एम सिनर, पहला वर्ड था संडे था, दूसरा था आई कांट डाई, भाई क्या ना डाई इन पीस, शांति से नहीं मर सकता शांति में। ध्यान देखो जब सो का प्रयोग करेंगे, एयर फोर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का करेंगे, हेल्थ का करेंगे तो सीधे बनेगा। एक चीज देख लो तो नोट आगे लिखो, इलेक्ट्रिक कंजक्शन बनाते समय, इलेक्ट्रिक कंजक्शन बनाते समय, इलेक्ट्रिक कंजक्शन का प्रयोग करते समय, लिखो इलेक्ट्रिक कंजक्शन का प्रयोग करते समय सबसे पहले कारण लिखते हैं। इलेक्ट्रिक कंजक्शन का प्रयोग करते समय सबसे पहले कारण लिखते हैं, मतलब रीजन, सबसे पहले कारण लिखते हैं, उसके बाद सो कमा देयर कमा कॉन्स्टिट्यूटली, शो हो गया, देयर हो गया, कॉन्स्टिट्यूटली हो गया, हेल्थ हो गया। क्या हो गया, हेल्थ हो गया। इन चारों कंजक्शन में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, इन चारों कंजक्शन में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। देखिए नियम लिखा नहीं गया था, हेलो लगेगा, कुत्ता लगेगा। इन चारों कंजक्शन बोल मत, इन चारों कंजक्शन में से किसी एक का प्रयोग करते हैं तब उसके बाद परिणाम लिखकर जोड़ देते हैं, उसके बाद परिणाम लिखकर जोड़ देते हैं। परिणाम लिखकर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन हार का प्रयोग करते समय, लेकिन हार का प्रयोग करते समय आवाज ना आएगी, लेकिन हार का प्रयोग करते समय सबसे पहले परिणाम लिखते हैं। हार का प्रयोग करते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, परिणाम लिखते हैं।
हार का प्रयोग करते समय सबसे पहले क्या करते हैं, परिणाम लिखते हैं, उसके बाद हार का प्रयोग करते हैं, तब बाद में रिजल्ट लिखते हैं। उसके बाद हार का प्रयोग करते हैं, तब बाद में रिजल्ट लिखते हैं। उसके बाद हार का प्रयोग करते हैं, तब बाद में रिजल्ट लिखते हैं। उसके बाद हार का प्रयोग करते हैं, तब बाद में रिजल्ट लिखते हैं। हमने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया, चल क्या रहा है सिंथेसिस, क्या चल रहा है सिंथेसिस चल रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो सिंथेसिस ये क्लास 11 और 12 का ग्रामर जो होता है आपका, ठीक ही होता है, ध्यान देना। नथिंग इज डिफरेंट, कुछ भी अंतर नहीं है, अंतर इसमें अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि इसमें कंजक्शन का प्रयोग होता कहाँ है सिंथेसिस में, ठीक है। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि पार्टिकल क्या होता है, पूछते रहे हैं, तो पार्टिकल ठीक है होता क्या है, पढ़े हो सब लोग, पार्टिकल कैसा शब्द होता है, तो क्या क्रिया की भांति एडजेक्टिव का काम करता है, समझे। वो ध्यान यहाँ पे हमने बताया और नहीं, जब हम शो का प्रयोग करेंगे, देयरफॉर का प्रयोग करेंगे, कॉन्सिक्वेंटली का प्रयोग करेंगे, हेंस का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे रीजन। अब सबसे पहली बात बोलना मत, सबसे पहली बात क्या है, आई एम अ सिनर, आई एम सिनर, मैं पापी हूँ, ए नाइन इसमें है, देखो ए नाइन लगा है, ए नहीं होगा क्योंकि इसमें नाम ना चाहिए, ए लगा है, आई एम ए सिनर, बाल देते हैं हाँ नहीं, यहाँ पे दो शब्द, दो सेंटेंस आपके सामने दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस क्या है, आई एम अ सिनर, मैं एक पापी हूँ, आई कांट डाई इन पीस, मैं शांति से नहीं मर सकता हूँ, ठीक है, मैं शांति में नहीं मर सकता हूँ, से भी निकलेगा, इसका दोस्त निकल रहा है से और में निकला, सी होकर क्या से भी हो गया और क्या हो गया में भी हो गया। अब सबसे पहली बात है, जब कारण का प्रयोग करेंगे, जब इसका प्रयोग करेंगे शो का, देयरफॉर का, कॉन्स्टिट्यूटरी का, हेंस का, फिर चारों का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले क्या रीजन लिखेंगे, क्या करेंगे रीजन, रीजन क्या है इसमें है कि पापी है, जैसे कोई इंसान है, इंसान हो गया, ठीक है, इसने क्या किया है, इसने बहुत पाप किया है, इतना पाप किया है कहने खत्म है, अगर कोई इंसान है वो पापी है, क्या है पापी है, तो क्या कैसे पहचानोगे, हम महसूस करेंगे, क्या करेंगे महसूस करेंगे, ना जैसे ये इंसान ने क्या किया, इस इंसान को क्या कर दिया, मियां बोले छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, इसे बैर इस्तेमाल हुआ है, बड़ा हुआ है, गोली मार दी, क्या कर दिया, गोली मार दिया, मर गया, मरा, तो बताओ ये पापी है ना, पापिया, छोटे बच्चे को मार दिया, 3 साल के लड़के को, ठीक है, कि 50 साल का, 40 साल का इंसान क्या कर दिया, बिना वजह गोली मार दिया, अब बाद में पछता रहा है, क्या कह रहा है, ओ पछताया, तो रिजल्ट क्या लिखेगा पछताने में, रिजल्ट निकला आपका यह रिजल्ट हो गया, ठीक है, और ये पछता रहा है, वाली इंसान जब गलती करता है तब नहीं पछताता है, गलती करने के बाद जब छूटता है, ठीक करता है, तब क्या करता है, तब पछताता है, तू समझा दे, ठीक है, एकदम पूरी, बताओ ये जो पछतावा हो रहा है क्या, ही रिपेंट, इसे क्या हो रहा है, रिपेंट हो रहा है, ठीक है,
रिपेंट माने क्या बच्चों? पछतावा। इसे पछतावा हो रहा है ना, इसे पछता रहा है, तो नहीं माना चाहिए। अपने आप को खुश रहा है, क्या कर रहा है? मैं पापी हूँ, आई कांट डाई इन पीस, मैं शांति में शांति से नहीं मर सकता, है ना? और देखो शांति से नहीं मर सकता। सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत? देखो हमने क्या बताया कि जब रीजन होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, जब इसका प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे। अब बताओ पहले पापी है कि मरना है? पहले पाप करता हूँ शांति से मरेगा, ठीक है? तो रीजन क्या है? रीजन पहले ये है, रीजन क्या है? हम कंपाउंड बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? आई एम सिनर, आई एम अ सिनर, मैं पापी हूँ, ठीक है? ये आपको हो गया। अब रिजल्ट क्या है? हमने बताया जब रीजन का प्रयोग करना तो सो देयर फोर एंड कॉन्स्टेंटली में से एक लगाना, क्या करना? एक लगाना, ठीक है? तो हमने लगा दिया क्या? सो लगा दिया, क्या लगा दिया? सो आई एम अ सिनर, मैं पापी हूँ, इसलिए आई कांट डाई इन पीस, आई ठीक है कांट डाई इन पीस, जिस माने शांति में या शांति से, ठीक है? अब ध्यान देना, अब देखो ये बन गया, ये सबसे आसान होता है कि परिणाम वाचक ठीक है संयोजक पढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान देना, इलेक्ट्रिव कंजक्शन परिणाम बताता है, एक रॉन्गर रहेगा या ट्रेक्टर रहेगा, पछतावा करता है, रिजल्ट बताता है, रिजल्ट क्या था? पापी है, ठीक है? कारण क्या है? पापी है और रिजल्ट क्या निकला? शांति से मर नहीं सकता, पहला बन गया। लेकिन अगर दूसरा बनाएंगे तब भी वही बनेगा। देखो जब दूसरा बनाएंगे तो सबसे पहले रिजल्ट लिखेंगे। अगर हमने फार का प्रयोग किया, इसका फार का प्रयोग किया, ठीक है? योगी सबका चलो, अगर फार का प्रयोग किया तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले रिजल्ट बनाएंगे। बच्चों ध्यान देना, क्या फार माने क्या होता है? फार माने आपका होता है के लिए, पीछे वाले बोले मत, क्या होता है? तेरी होता है ना, बस के पांच मिनट बाकी है, साइलेंट हो, पीछे वाले इतने और नहीं। हाँ अपने ईयर को, ऐ अपने ईयर को इधर ध्यान लगाओ, माइंड को ध्यान लगाओगे ना तो इधर तक सुना नहीं देगा, ठीक है? ध्यान दो, फार के लिए होता है, लेकिन फार माने क्या? क्योंकि भी होता है। बच्चा कंफ्यूज, बच्चा कंफ्यूज, और ये भाई टेढ़ी की होती है ना? ठीक है, देखो ये बहुत टेढ़ी की होती है, एक कंजक्शन है, ठीक है? फार यू तुम्हारे लिए, फार यू उसके लिए, फार नाम जान के लिए, पता ना? लेकिन देखो क्या बन गया, मना ना। और इसका प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? परिणाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परिणाम, ठीक है? उसके बाद तो क्या करेंगे? फाल लगाएंगे तब रिजल्ट लिखेंगे। देखो अर्थ बैठाना है तुमको, अर्थ बैठाना पड़ेगा। अब ध्यान दो, यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं हम? कारण लिखते हैं, परिणाम लिखते हैं, फल लिखते हैं, क्या फल है? कारण तो फल क्या मिला? फल ये मिला है कि क्या शांति मना नहीं चाहता, चाहता मरना नहीं, पछतावा हो रहा है। लिखेंगे आई कांट, आई कांट डाई इन पीस, हो गया। अब जोड़ेंगे फार, मैं शांति से नहीं मर सकता हूँ क्योंकि, अब लेकिन क्या रीजन? आई एम ए सीनियर, आई एम ए सीनियर, तो हो गया। देखो एक पहला हो गया, दूसरा बताते हैं एक और है। देखो पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ लिए समझो कि कैसे बनेगा, आपको शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहे हैं और अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है ना, पढ़ाया आपको दो तक जा रहा है, हिंदी बता दे रहे हैं। अगर बच्चा ना कर पाए तो सबसे बड़ा मूर्ख है, ना वो सबसे बड़ा पागल इंसान नहीं कर पाएगा, ठीक है? सबसे बड़ी बात है सिंथेसिस करते समय सबसे पहले क्या आपको हिंदी निकालनी चाहिए,
हिंदी नहीं आएगी तो भी बोलो भी, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं देखो आई एम गेंटी, देखो राम इज गेंटी, राम इज गेंटी, राम है रावण, मत बोलो वही बच्चे बोले हो रावणावाद जेंटी GUILTY। प्राचीन काल में नाम में हम रावण को रावणा लिखेंगे, राम को रामा लिखेंगे, ठीक है, दशरथ दशरथा लिखेंगे, अगर एक कलयुग का रावण हो तो रावण लिखेंगे, किसी का नाम होगा हो लोगा है ना। अब क्या कर रहा है, इतना मान चला इंसान है, देखो यानी कि रावणा वाज गेंटी, रावण क्या था, अपराधी था, क्रिमिनल था, क्रिमिनल किसे कहते हैं समझते हो, अच्छा ये पहचान क्या करते हैं, कैसे पहचान कि क्रिमिनल है, इसे मान लीजिए एक मुर्गी बेचारे रास्ते में जा रहा है, कुत्ता जा रहा है, ठीक है, और एक लाठी मारा, क्या किया, चिल्लाने लगा, चिल्लाया और मन नहीं भरा, इटो ग्राम मार दिया मर गया, कुत्ता मर गया, ठीक है, तो क्या कई लोग कहेंगे ओहो ये पापी है, ये दोषी है, क्रिमिनल है, बजा है ये क्रिमिनल है, पक्का क्रिमिनल है, ठीक है, तो हमने महसूस किया क्या ये क्रिमिनल, अच्छा रावण को क्रिमिनल क्यों कहा जाता था, ऐसा बताओ, रावण मान गेंटी, रावण क्या था, अपराधी था, अपराधी था, हाँ माता सीता का हरण कर लिया था, माँ जानकी को क्या किया था, हरण कर लिया था, और हरण करने के बाद देखो एक स्त्री का स्त्री चाहे तो पुरुष को बना दे, चाह दे तो बिगाड़ दे, हम भाव बोलते हैं कि पत्नी वो नहीं होती है जो पति को बुला मना के, ठीक है, पत्नी की वो नहीं होती है, बोल नहीं उतना, देखो पत्नी वो नहीं होती है, सही है, पत्नी पत्नी वो नहीं होती है जो अपने पति को गुलाम बना के राज्य करे, पत्नी वो होती है जो अपने पति को राजा बना के रानी की तरह राज्य करे, ये सही है, ठीक है, ये सरासर सही है, ठीक है। अब देखो सीता का हरण करने का कारण ब्राह्मण और रामायण क्या बात है, हाँ देखो आपको समझाएंगे अच्छी तरह से जाएगा, उल्टा सीधा कौन लगा समझी, बोले देखो तो रावण को शौक नहीं था हरण करने का, बाण कर कौन थी, बाण, तो बाण ने क्या किया, जंगल में घूम रहे दो वनवासियों को देखा, एक देखा राम और एक देखा क्या लक्ष्मण, ठीक है, राम और लक्ष्मण दोनों भाई देखा, और दोनों क्या थे, दोनों सुंदर थे, कोमल कोमल नयन घास में होंगे दोनों, ठीक है, तो राम और लक्ष्मण दोनों क्या थे, भाई थे, भले अलग अलग माता के पुत्र हों लेकिन क्या गई पिता के पुत्र थे, पता है ना, तो क्या था देखिए, तो पहले राम से पास आई, राम ने सुपनखा, सुपनखा 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 का काम था, ठीक है, कि क्या किया प्रसन्ना दे आई, और कही राम को देखी, कह बोली मैं शादी करना चाहती, बोले शादी शुदा है, मेरे भाई पास जाओ, भाई पास गई, क्या भाई का हम भी शादी नहीं करेंगे, ये क्या हाथ ठान लेती है, और क्या करती है, देखो विपरीत कार्य विनाश को दी, विपरीत कार्य विनाश को दी, क्या करती है ये, इतना जिद कर देती है कि लास्ट में इनको नाक काटना पड़ा, जब काटना पड़ा तो क्या हुआ, तभी रावण के दरबार में गए, लंकापति रावण, रावण हूँ मैं बता ना, रावण हूँ मैं पता ना, तो लंकापति रावण दरबार में गई, रावण जी के पगला गया, क्या कैसे कट गया, ठीक है, तो पगलाने का कारण भी था ना, पगलाया, अब बोला मैं वध करवा दूंगा, पकड़वा दूंगा, मामला ठंडा हो गया होता एक मामला बिगड़ गया, तो बोली नहीं मुझे तो क्या प्राण चाहिए,
रावण ने क्या मारी से मामा मारी से चक्रव्यूह बनाया। मामा तैयार नहीं था सीता का हरण करने के लिए, लेकिन प्रेशर डाल दिया, दबाव डाल दिया, क्योंकि क्या वह सब काम को छोड़कर जंगलों में तप कर रहा था। मारी जंगल में क्या कर रहा था, बहुत प्रेशर डाला, कहा तुम मामा नहीं कसाई हो, ठीक है तुम मेरे लिए काम नहीं करते हो, मजबूरी में हीरा बनना पड़ा और क्या सीता को हरण करना पड़ा। देखिए स्त्री का रावण तो पीछे क्या था, बर्बाद होने का क्या स्त्री था, चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे पत्नी हो चाहे माँ हो चाहे बाप हो, ठीक है परिवार में कोई स्त्री आ जाए, ठीक है अगर सही नहीं है तो घर को बिगाड़ सकती है, गलत नहीं करें बात करनी सबको लगती होगी, लेकिन क्या इससे बहन आई, इससे बहन आई तो सही है, ठीक है तो क्या किया एक अपराधी था, कैसे माने हरण कर लिया, अपराध किया। एक चीज को पढ़ने में ग्रामर रामायण को जाता है हमने खड़े खड़े झूठ बता दिया, उसे मार दिया गया, आवाज है आवाज है क्या ये भी है आवाज है रावण वाज गिल्टी वाज वाले है ना, रावण क्या था अपराधी था, ही वाज के उसे मार दिया गया, उसे मार दिया गया किसके द्वारा पता ना, राम के द्वारा, राम यानी सत्य हो वाय रामा भाई रामा, राम के द्वारा क्या किया गया उसे मार दिया गया। अब बताओ कि कारण क्या था, ये क्या है ये रीजन है, ये क्या है ये रीजन है, ये क्या है रीजन है ना, हर बच्चे जान गया हो कैसे से हल करना है, सीधा लगाए पर कारण लगाने किसका प्रयोग करेंगे इसमें कोई एक अपने करेंगे तो परिणाम पर लिखना पड़ेगा उसका प्रयोग करेंगे। अब देखो जोड़ते हैं नियम में बताया है कि अगर कारण का प्रयोग करना है तो सबसे पहले क्या सू देयर फॉर कॉन्स्टेंटली हेंस से कोई एक प्रयोग करो, हो गया आपका यहाँ पे ही पर उपमा बनाते ही, ठीक है वाज किल्ड बाय रामा, ठीक है हार क्योंकि हमने क्या किया हार का प्रयोग कर दिया, समझे पहले परिणाम देखो हार जब लगाएंगे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा परिणाम लिखना पड़ेगा, क्यों सही है चलो अच्छे लिएगा कल पाए चाहिए नहीं है ना चलो अच्छे लिया एक बात एक में सीधा गलत हो जा रहा है। He was killed by Rama, उसे रावण उसे राम के द्वारा मार दिया गया फॉर क्योंकि रावण मार गया थी, रावण क्या था अपराधी था, बात गिल्टी ये भी सही है, दूसरा भी देख लो दूसरा भी सही है, अगर इसका प्रयोग करेंगे तो कारण लिखेंगे सबसे पहले तो रावण वाज गिल्टी, रावण क्या था अपराधी था, ठीक है देयरफोर इसलिए ही वाज किल्ड, हो गया देयरफॉर जानते हो यहाँ ही लगा दिया, यहाँ रावण लगाया ना पता ठीक है यहाँ ही लगा, यहाँ आप क्या कर रहे हैं चाहो तो ही नहीं यहाँ पे क्या लगाते हैं यहाँ रावण लगा दो आते भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है, चलो कोई दिक्कत नहीं है करना नहीं चाहो क्या ही लिखो क्या रावण लिखो बात कही ना है रावण के लिए आया है ही वाज किल्ड बाय रामा पर रावण वाज गिल्टी वह राम को द्वारा मारा गया क्योंकि रावण अपराधी था, खत्म हो गया रावण वाज गिल्टी रावण अपराधी था इसलिए ही वाज
जीवात के जीवात किंड भाई रामा ये दोनों हो गया आपका हुआ ये आपका पूरा का पूरा क्या ये को आयन का स्तर खत्म हो गया कल आप आएंगे तो बनाएंगे जा रुक जाओ एक मिनट बैठे रहो